आज हम डिस्कस करने वाले बाटा के स्टॉक के बारे में। स्टॉक ने आज हमने जबरदस्त बाइंग देखा। स्टॉक का 52 एक्साइड 2108 जो स्टॉक ने आज ही टच किया है। 52 वीक लो 1260। स्टॉक का कोई पी नहीं है क्योंकि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट सेक्टर पी इज 99.80। मार्केट कैप 26,778 करोड़। ड्यू टू पैंडमिक इनके सारे स्टोर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ सेल्स का, जिस कारण इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी टिल नाउ। बट फेस्टिवल सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड जिस कारण आने वाले टाइम में इनके रिजल्ट में काफी ज्यादा सुधार होंगे एंड फ्रॉम अ लॉस मेकिंग कंपनी ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी बन जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है एंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एज वेल। इसी कारण से मार्केट इस फैक्टर को डिस्काउंट कर रहा है क्योंकि रिजल्ट सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर को देखें, सो टेक्निकली जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो RSI एंड MFI इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू RSI एंड MFI जो स्कोर है 71.8 एंड 77.8। 70 को स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ओवरबॉट है क्योंकि स्टॉक ने आज 52 वीक्स हाई को भी टच किया है एंड लास्ट फ्यू वीक्स में स्टॉक में आज हमने जबरदस्त मोमेंटम भी देखा, जिस कारण ये स्टॉक अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस इज अ ओवरबॉट। बट बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं है, बहुत ऐसे भी स्टॉक है जो 80-85 के RSI एंड MFI स्कोर रखते हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड रिजल्ट सीजन आने वाला है, बट आपको थोड़ा कॉशियस भी रखना पड़ेगा एंड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप बाई करें। ऐसा ना हो कि रिजल्ट खराब हो जाए या फिर और कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए, फिर मार्केट क्रैश हो जाए एंड ये स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो जाए एंड आपको ट्रेडिंग में लॉस हो। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप एंड आपको इस स्टॉक को इस प्राइस में बाई करने लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, सो आप शायद इस स्टॉक से लॉस ना करें। आने वाले टाइम में 2,500-3,000 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। सो ये था इसका RSI एंड MFI स्कोर, जिसमें शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ओवरबॉट है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन बोइंग एवरेज देखें, जब कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई के ऊपर चला जाता है सो ऑब्वियसली वो अपने 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन बोइंग एवरेज के ऊपर चला जाता है। जो 20 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन बोइंग एवरेज है वो 1824 एंड जो 50 डे का है वो 1760 से 1765। सो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1824 है, जो कि प्रेजेंट प्राइस से ऑलमोस्ट 10% नीचे है। बट 10% का स्टॉप लॉस बहुत दूर का है, बट 20 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट जो है वो 1800 के ऊपर ही है एंड 50 डे का 1760, यानी 1800 इज अ वेरी इंपैक्टफुल मेक और ब्रेक लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। शॉर्ट टर्म ये स्टॉक 1600-1500 की तरफ तो नहीं जाएगा, जिस तरह का मार्केट का मोमेंटम एंड फेस्टिवल सीजन का भी इंपैक्ट इस स्टॉक के सेल्स के ऊपर पड़ेगा एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी शो करने वाले। सो 1800 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक एंड अगर कोई स्टॉक 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज ऊपर चला जाता है तो उसे जबरदस्त मोमेंटम आता है एंड बुलिश पैटर्न भी क्रिएट होता है। नाउ अगर हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें, एज आई सेड 2000 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। नाउ जो रेजिस्टेंस है वो 2080 या फिर 2100 का, इसके ऊपर अगर स्टॉक चला जाता है सो स्टॉक विल बी इन द ब्लू स्काई टेरिटरी जोन। उसके बाद एवरी 100 रुपीज, 200 रुपीज विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक सेंटिमेंटली। नाउ अगर इसके सबसे करीबी सपोर्ट को देखा जाए 2000 का लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट एज आई सेड एवरी 100 रुपीज। सो इसके नीचे का जो सपोर्ट है वो 1941 या फिर 1950 है, 1900 एंड 1800 सिंपल एंड एक्सपेंशन मूविंग एवरेज 20 डे का, वो तो बहुत ही इंपैक्टफुल लेवल है। बट अगर आप एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना चाहते हो सो मिनिमम 1900, 1950 अकॉर्डिंग टू रिस्क पोटेंशियल आप एज अ स्टॉप लॉस सेट करके इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेल कर सकते हो। एज अ इन्वेस्टर कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑरिजन 5 साल का, ये स्टॉक डेफिनेटली आपको यहाँ से 100% रिटर्न देगा, आने वाले टाइम में 5000 तक भी जाएगा। ना अगर इसका पीएस के साथ कंपेयर करें तो सबसे बड़ा रिलैक्सो फुटवेयर जिसका पीए 113 है, बट इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ है। बाटा का मार्केट कैप 26,000 करोड़ के ऊपर है, बट इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी कंपेयरिंग टू मिर्जा इंटरनेशनल, श्री लेदर्स, लिबर्टी शूज, सभी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। बट बाटा इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड एंड बाटा इज अ पॉपुलर नेम। Although it's a loss-making company, but Relaxo Footwear is a profit-making company है, सबसे बड़ा है, but इसका P बहुत ही expensive है। आप किसी profit-making company में invest करना चाहते हो, so आपके लिए Liberty Shoe है, Shree Leathers है, ये सारे stock है आपके लिए बहुत ही अच्छा। but अगर आप सबसे बड़े brand के साथ जाना चाहते हो so obviously Bata is the company for you and इसके लॉस मेकिंग होने पर आप सवाल मत उठाइए क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ना अगर इसके हम रिजल्ट को देखें सो जून का रिजल्ट बहुत ही खराब है कंपेयर टू मार्च। दिसंबर मार्च का फिर भी ठीक था, बट जून के रिजल्ट में
बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमने देखा। सेल्स 267 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव 32 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव 92 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट वो नेगेटिव 69 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 29 एंड उसके लास्ट क्वार्टर में 26 करोड़ था। हालांकि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में जो लॉस था वो 100 करोड़ से भी ज्यादा का था, बट जो लॉस है इनका धीरे धीरे घटेगा एंड इट विल बी अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सून, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में इनका सेल्स भी बढ़ेगा एंड जो कोविड का सिचुएशन है वो भी नॉर्मलाइज हो रहा है। सो आने वाले टाइम में वी होप बाटा से आपको अच्छा खासा रिटर्न जेनरेट हो, बट इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, इट्स अ प्योरली इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक, इसको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। नाउ ये था इस पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट। नाउ अगर रिजल्ट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको देखना है, वह इस पर्टिकुलर कंपनी के ईपीएस को, जो ईपीएस है वो नेगेटिव 5.41 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2.929 था एंड उससे भी प्रीवियस क्वार्टर में 2, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ शेयरोनिक पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 52.96 यानी 53% का स्टेक है, जो डीआई के पास 27%, एफआईआई के पास 5.32 एंड पब्लिक होल्डिंग 14.51। डीआई इज वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक बिकॉज अकॉर्डिंग टू डीआई ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। एफआईआई एट दैट मोमेंट और भी सारे बहुत सारे स्टॉक है जिसमें ज्यादा बुलिश है, एफआईआई का स्टेक बहुत ही नॉर्मल है, बट पब्लिक होल्डिंग इज ऑल्सो गुड 14.51 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो कंट्रोलिंग स्टेक है यानी 53% का स्टेक उनके पास है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज मुझे कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि 10% ऊपर का पब्लिक होल्डिंग है, 27% का डीआई होल्डिंग है। तो स्टॉक को लेकर एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।